Hello, my student of class 11 science. Today we discuss the revision regarding to the straight line. स्ट्रेट लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दोबारा से बना रहा हूं उसकी रिवीजन वीडियो। वैसे तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसकी दोबारा से बना रहा हूं मैं आज वीडियो। स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जैसे कि 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, जैसे कि x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं उनको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। ये बात आप ध्यान रखें। तो कोई भी एक ऐसी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं अपने आप में स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो जो इस तरह की इक्वेशन होती हैं उनको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए x प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो माइनस एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। तो इस तरह की जो इक्वेशन है उनको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में आप ध्यान रखें, क्लास टेंथ में आपने बहुत कुछ सीखा था, चैप्टर था ज्योमेट्री, तो वहां पे आपने सीखा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, उसके बाद आपने सीखा था वहां पे सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वही सब बातें घूम फिर के यहां पे भी आती हैं, क्लास ट्वेल्थ में भी आती हैं, और हम वही सारे के सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे आगे। अब जो मैं यहां बताने वाला हूं आपको वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है पॉइंट और एक होता है स्लोप। अब आप कहेंगे कि ये स्लोप क्या होता है। स्लोप निकालने के लिए हमारे पास होते हैं मेथड तीन, और आप ध्यान रखिए मेथड हमारे पास में। सबसे पहले यदि थीटा दिया हुआ है, थीटा इज 30, थीटा इज 45, थीटा इज 60, सो यदि थीटा आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आर एन इक्वल्स टू टेन थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। यदि आपको थीटा दिया हुआ है तो आप एन इक्वल्स टू टेन थीटा ये फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे आओगे आप लिखोगे एन इक्वल्स टू टेन थर्टी, टेन थर्टी वन अपॉन टेन थ्री। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये थीटा दिया हुआ है तो फॉर्मूला अलग है। मान लो थीटा ना दे करके आपको ये था फर्स्ट, मान लो थीटा ना दे करके आपको दो पॉइंट दे दिए गए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके पास में x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, मान लो आप थोड़ी देर के लिए। तो जब ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है और हमें निकालनी है स्लोप, तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो आप याद रखेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो आप याद रखेंगे, इट मींस y2 minus y1 upon x2 minus x1। मान लो हमारे पास ये दो पॉइंट 3 5 और 1 2 है और हमें बोला गया है कि स्लोप निकालिए आप, तो हम क्या करेंगे स्लोप निकालने के लिए, जो पहला पॉइंट है वो बन जाएगा x1 y1, जो दूसरा पॉइंट है वो बन जाएगा x2 y2। तो हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स को भाग याद रखेंगे, y2 minus y1, y2 मेरे पास 2 है, y1 वो 5 है, x2 1 है और x1 वो 3 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा minus 3 upon minus 2, so 3 upon 2।
तरह से स्लोप आ गई है 3/2, तो ऐसे आप वर्कआउट करेंगे। चलिए अब बचता है मेरे पास थर्ड फॉर्मूला, थर्ड मेथड, जिसकी हेल्प से आप निकालेंगे स्लोप। जब हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है कुछ इस तरह से और हमसे बोला जाए भाई निकालो आप स्लोप को, तो हम लिखेंगे m इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये बात आप ध्यान रखें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x वो मेरे पास में इस वक्त a है एंड कोफिशिएंट ऑफ y वो इस वक्त मेरे पास b है, तो फॉर्मूला बन गया माइनस a अपॉन b। ये तब की बात है जब आपको इक्वेशन ऐसे दी जाएगी। मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मेरे पास इक्वेशन है कुछ इस तरह से कि 4x plus 5y plus 6 plus 0 और मुझे यहां से निकालनी है स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रहे स्लोप निकालने के लिए हमारे पास में जो मेथड्स हैं वो केवल तीन ही हैं। जब एंगल दिया हो, जब दो पॉइंट दिए हुए हो और जब किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई हो, तो हमारे पास में केवल ये दो ही मेथड हैं। चलिए इसके बाद में अब डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ इक्वेशन ऑफ लाइन को। जब हमें दो पॉइंट दिए जाएंगे जैसे कि x1 y1 और x2 y2 और हमसे कहेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये वो फॉर्मूला है जो हम यहां पे यूज करेंगे जब हमें निकालनी होती है किसी भी इक्वेशन की, किसी भी लाइन की इक्वेशन। तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं उस वक्त। फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। मान लो हमें दो पॉइंट ना दे करके सिर्फ एक पॉइंट दिया जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अभी मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलूंगा जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसकी एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट हमें ना देकर के कुछ ऐसे दिए जाए कि 2, 3, 1, 5, तो y माइनस इसको मान लीजिए आप x1 y1, इसको मान लीजिए आप x2 y2, तो फॉर्मूला जो हमारे पास में है वो उधर है, तो पुट कर दीजिए आप वैल्यू y1 वो 3 है, y2 वो 5, y1 वो 3, x2 1, x1 वो मेरे पास में 2, x माइनस x1 मींस 2। तो y-3 = 2, 5-3 = -1, x-2। सो y-3 = -2 टाइम ऑफ x-2। इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो आज मिल जाएगा आपको y-3 = -2x + 4। सो y+2x = 7। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द टू डिफरेंट पॉइंट 2, 3 एंड
15। तो इस तरह से हमने इजिली एक लाइन की इक्वेशन को निकाल लिया है। अब मान लो तो कब की बात है जब आपको दो पॉइंट दिए, तो कोई जरूरी थोड़ा ना है कि आपको दो पॉइंट हमेशा मिलेंगे, वो दो पॉइंट आपको ना दें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास में कंसेप्ट कुछ और होगा जो हम उस समय यूज करेंगे। आइए जरा मैं मान लेता हूं कि मुझे दो पॉइंट न देकर के सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है x1 y1 और मुझे थीटा दिया गया है 30। तो उस केस में अलग कंसेप्ट हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि y-y1 = m(x-x1। तो जब एक पॉइंट दिया हो साथ में एंगल दिया हो तो फॉर्मूला ये है। तो यहां पुट कर दें आप वैल्यू, जैसे जब थीटा 30 है तो m हो जाएगा tan 30, और जो पॉइंट x1 y1 है, मान लो हमारे पास एक 0.25 है, तो ये 0.25 है ये मेरे पास से बन जाएगा एज x1 y1। तो इस तरह से हमारे पास में जो इस पॉइंट है इसको 25 मैंने एग्जांपल लिया है, ये थीटा 30 लिया है मैंने। तो मैं बता रहा हूं कि कैसे आप एक कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। तो जब थीटा 30 है तो स्लोप आ गया tan 30 मतलब 1/√3। पॉइंट पता है तो रखिए इक्वेशन के अंदर y-y1 = 5 है, m वो मेरे पास 1/√3 है, x-x1 वो मेरे पास में 2 है। तो इस तरह से ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई आप √3 से, तो मिल जाएगा √3y-5 √3 = x-2। सो वी है √3y-x = -2 + 5√3। तो इस तरह से हमारे पास में ये आ चुकी है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए इसके बाद में मान लो कि हमारे पास में दो लाइन है, एक लाइन L1 है एक लाइन L2 है, और मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो थीटा निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इन दोनों लाइन L1 और L2 की निकालनी पड़ेगी स्लोप, M1 और M2 मुझे निकालनी पड़ेगी स्लोप। चलिए तो यदि आपने M1 M2 स्लोप निकाल ली है दोनों लाइन की, तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कि tan θ = (m2-m1)/(1+m1m2)। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप किन्हीं भी दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज यहां पे रख देनी है, और रख देने के बाद में आपको यहां से उन दो लाइन के बीच में जितना भी एंगल बन रहा है वो इजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में दो लाइन है, जिसकी स्लोप मान लो की स्लोप मेरे पास √3 है, दूसरे की स्लोप मेरे पास 1/√3 है, मुझे निकालना है उनके बीच का एंगल थीटा। तो ये जो वैल्यूज हैं m1 m2 या फॉर्मूले में रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन की कुछ और फॉर्म्स भी हैं, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे नॉर्मल फॉर्म, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। x/a + y/b = 1 इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इस केस में लाइन क्या करती है, x
एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट कर देती है. दीज आर इंटरसेप्ट विच इज कट ऑफ बाय द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सपोज इट इज ए इट इज बी देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी दिस. लेकिन जरूर नहीं है कि हमेशा इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही कट हो सकता है कि लाइन ऐसे चली जाए या फिर लाइन ऐसे चली जाए. तो उस केस में इंटरसेप्ट की जो पोजीशन है जो उनकी वैल्यूज है वो नेगेटिव में हो जाएगी. क्योंकि आप जानते हैं कि जब चलते हैं आप ओरिजिन से राइट में तो पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट चलोगे या डाउन चलोगे तो नेगेटिव में हो जाओगे. तो उसी के हिसाब से इनकी इक्वेशन भी बदल जाएगी. क्लियर. यदि बात करें नॉर्मल फॉर्म की तो नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p. अब आप कहेंगे कि सर ये अल्फा क्या है और p क्या है. मान लो कोई इक्वेशन जा रही है इस तरह से, उस पर डाल दिया आपने इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर. तो यदि परपेंडिकुलर की लेंथ p हो, एंगल यहां पे 90 बन रहा है इसमें, क्योंकि ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है जो डाला गया है ओरिजिन से लाइन पे, उसकी लेंथ इस वक्त p है. मान लो ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है x अक्ष से अल्फा, तो जितना एंगल बना रहा है अल्फा वो रख देना है, जो उसकी लेंथ है p वो रख देनी है. तो आप यहां से निकाल लेंगे फिर इक्वेशन ऑफ लाइन को. तो इस तरह से आप वर्कआउट करेंगे इन क्वेश्चनों में. बाकी हम डिस्कस करेंगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में. रिवीजन आप करते रहें, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें मेरे साथ में उसको. अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें, ऐसा ना हो कि उनको आप शेयर ना करें, क्योंकि आप सभी के एग्जाम चल रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं. अपनी प्रॉब्लम को ना छुपाएं, उसको जो है मुझे बताएं, जिससे कि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा सकूं. ठीक है, तो प्रॉब्लम शेयर करनी है, उसको छुपाना नहीं है.